साकी भाई। हेलो फ्रेंड्स, अभी सिंह आज मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त संदीप भाई मिले, और वो भी मेरे साथ मिले तो कहाँ पे, ट्रक में मिले। ट्रक में तो सारे है भाई साहब, हमारे सोहेल भाई है, आई कर दो। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। किधर जा रहे हैं? वो भी घूमने के लिए जा रहे हैं, वो भी ट्रक में। ट्रक में घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रक की सवारी कर रहे हैं। मंजिल का पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पीछे वो चूली मूले पड़े हैं, ट्रक लेके जा रहे हैं। और सब आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी ब्लॉगिंग का मतलब मूड बन रहा है थोड़ा सा, मतलब बना तो रहे हैं लेकिन मूड भी बन रहा है, और इंशाल्लाह आपको साथ में छोटी मोटी टूर भी कराएंगे। तो चलें आपको सैर कराते हैं, हम किधर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, आइए देखते हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको दुबई की। ये जा रहे हैं हम अबू धाबी, सारा सामान लेके अपना डेरा टप्पा डाल के अबू धाबी जा रहे हैं। ये यहाँ की दुबई की बिल्डिंग है, अबू धाबी में पहुँचते ही आपको दिखाएंगे दूसरी वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, अपने चूल्हे और सिलेंडर लेके जा रहे हैं। आज हम कर रहे हैं शिफ्टिंग। हाँ, ये चले हम, ये हम मुंबई एयरपोर्ट की तरफ। मोहम्मद बिन जायद की तरफ अभी हम उतर आए हैं। साथ में टाइगर भी दिखा है ना, राइट साइड वो टाइगर है, वो बिल्डिंग के ऊपर टाइगर, ये टाइगर है। वाह 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 बेटे वाह, मौज कर ली मौज। खाली गिलास हाथ में पकड़ो, जिसमें खाली गिनी चुने तीन बर्फ के टुकड़े हो। अरे तो हमें मालूम है ना, रात को आप सोडे के साथ पानी मिला के पीते हो, फिर सुबह जल्दी नहीं उठते हो, फिर बोलते हो आप हैंगओवर है मेरे को। आज की बात बताता हूँ, आज मैं सुबह उठा हूँ तो आंख खुली है, तो मैंने देखा टाइम मतलब 30 मिनट्स और हो गए थे ना, तो फ्री पार्किंग की, तो मैंने जैसी, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैंने पार्किंग की टिकट डाली उसी टाइम फाइन भी आ गया। क्यों? मतलब मेरे भी नीचे वो फाइन लिख रहा था जिस टाइम मैंने फाइन डाला। अभी यार रोजाना मुझे 100-100 रुपए पड़ रहे हैं यार, बहुत तकलीफ हो रही है कसम से। किसकी बद्दुआ लगी है मुझे? अच्छा, तो ब्लॉगर्स की बद्दुआ लगी, हम वो वीडियोस नहीं डालते ना। तो तभी आपने फाइनली मूड बनाया कि हम अबू धाबी शिफ्ट होंगे। यहाँ पे बस यहाँ पे वो सही नहीं, यहाँ पे कोई मजा नहीं है, फाइन ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि आपको वहाँ पे फाइन नहीं पड़ेंगे? यार वहाँ के थोड़े से शेख में सुने अच्छे हमारे साथ गुजारा करेंगे, देखते हैं नसीब की बात है, अभी पता चलेगा क्या होता है। चलो ये क्या गाड़ी, वाह बेटा वाह, बड़ा हैवी ड्राइवर है भाई। और बताओ साकिब भाई, क्या लगता है आपको बारिश आएगी या धूप आएगी? यार सुना है मौसम को देख के, बारिश का तो ये है कि 3 दिन उन्होंने बादल का कहा है, फिर उसके बाद बारिश आएगी, 3 दिन लगातार बारिश होगी। अच्छा, तो फिर इधर दुबई में कभी ओले ओले भी पड़ते हैं? ओले तो रोजाना पड़ते हैं। अच्छा, हमारा अरबाब जब गुस्से बारिश हमारे ऊपर ओले ओले अभी भी थंडरस्टॉर्म आया था, देखा नहीं के बच गए, तूफान में से निकल आए। तो लगता है अभी फिर दोबारा से बारिश होगी। अभी कुछ दिन पहले जो बारिश आई थी उसमें तो पूरी रोड़े भर गई थी। अच्छा, लोगों का मैंने देखा जब बारिश हुई लोग टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकले, और मैंने भी मतलब अपने साथ, वो बहुत टाइम बाद मैंने अपना टिकटॉक, मेरा एक अकाउंट था, मैंने जैसे ही लॉग इन किया मैंने उस पर वीडियो बनाई, तो सबसे पहले कमेंट मेरी वाइफ का आया कि तुमने फिर टिकटॉक लगाया, तुम मना नहीं होती। मैंने तौबा निकाली, मैंने उससे माफी मांगी, सॉरी, अभी तक उसको मिनते कर रहा हूँ, उससे मैं टिकटॉक डिलीट कर देती। ये तूफान और बारिश की चीज नहीं होती, बच के रहा करो, बच के रहना पड़ता है। अभी तक हम कौन से एरिया में पहुंचे हैं? अभी हम खलीफा सिटी पहुंच गए। अभी सीन ये है कि रात को मैं मतलब रात को क्या, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस देख रहा हूँ, एक बंदा है सियालकोट का, अच्छा साजिद नाम है, लेकिन उसको लोग प्यार से सजू पॉप कह के बुलाते हैं, सजू पॉप, उसकी वीडियोस वगैरह देख रहा था। यार वो कमाल की वीडियोस बनाता है, क्या मजेदार वीडियोस होती हैं। तो बस इसी वजह से आज मुझे भी शौक चढ़ा, मैंने कहा यार मैं भी वीडियोस बनाता हूँ। उसके एक वीडियो पे इतने ज्यादा मिलियंस व्यूज और कमेंट्स और ये वो आए होते हैं ना,
तो मुझे भी मतलब थोड़ा शौक था, मैंने कहा चलो यार ये व्लॉगिंग का भी थोड़ा सा वो देख लूं क्या सीन। चलो वो वीडियो अगर वो यूट्यूबर भाई देखेंगे तो वो बड़े खुश होंगे कि सजू चलो भाई। सजू कि उनकी वजह से एक और यूट्यूबर आए हैं मार्केट में उनसे इंस्पायर हो गए। सही 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 सही, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। संजू पॉप इटली में होता है, इटली में उस दिन उसका इंटरव्यू था, मैंने कहा कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, कहते लोहे का काम करता है, लोहे का काम करता उस तरह बनाता है, और ये चम्मच वगैरह वो आयरन की कास्टिंग की कंपनी नहीं होती जहाँ पे वो लोहे मोहे के वो लोहार का काम करता है, और मैं समझो कोई बड़ा बिजनेसमैन है और सब कुछ है। यार ये इंग्लैंड में जाके सब तो क्या ये वैसे ही दिखावा करते हैं कसम से, वहीं पर वो लोहे और नट और बोल्ट का काम करते हैं, और हम इम्प्रेस होते हैं कि हमने लंदन जाना है। संदीप मत जाना नहीं तो रोगे बेटा, तुम्हें भी बड़ा इटली का शौक है और लंदन घूमने का शौक है ना, ये देख लो तुम्हारी दुबई में ये सारी ख्वाहिशें मैं पूरी कर रहा हूँ, ट्रक पे तो मैं घुमा रहा हूँ। जाएंगे सीधा जाके राइट, सीधा जाके सीधा जाके राइट। अच्छा उस दिन क्या था, मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा किधर जाना है, किधर राइट। तो यहाँ पे ये राइट का भी राइट कहते हुए आपको हाथ से बताना पड़ता है, राइट और लेफ्ट में बंदा कंफ्यूज हो जाता है राइट। यहाँ पे बड़ा कमाल के मतलब हर किस्म के लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ेगा, चलता रहता है यहाँ। जैसे एक दिन मैं जा रहा था सरोज को लेके उधर एमरी साइडी बनवाने के लिए, तो भाई मैंने बिठा दिया उसको, तो बोलता मैंने कहा तुझे रास्ता मालूम है, मेरे को तो मालूम नहीं है, बोलता सिर्फ मैं लोकेशन देखता हूँ वहां पर ड्राइव करो ठीक है, बोलता लेफ्ट लेफ्ट में जा रहे, बोला नहीं 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 राइट में जाना था यार, अब क्या कर रहे। फिर उसको रास्ते को फिर घूम घाम के फिर वापस आए, सिर्फ सीधा चलो सीधा कहा रोड तक टेढ़ी मुड़ रही है। एक घंटे बाद मैंने बोला उतर मैंने कहा नीचे, तो दूसरा बंदा था पीछे, मैंने कहा तू आगे बैठ तू लोकेशन बता बस, फिर वो पीछे से बैठ के कुतुड़ 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 कर रहा था। मेरे साथ उस दिन ऐसे ही हुआ ना, अरबाब हमारे साथ पूरा एक घंटा लेट हुआ, हम अरबाब के साथ गाड़ी में बैठा हूँ, अरबाब कहते हैं चलो चलते हैं एक जगह पे, एक फैक्ट्री जाना था नेस्ले में जाना था ना, नेस्ले कंपनी में हमारा एक मीटिंग थी तो नेस्ले में जाना था, कहते हैं लोकेशन पता है, हाँ पता है, अभी ना मेरे पास डेटा भी नहीं है, मैंने फ्री वाला मैप ऑन कर दिया, घूम घूम के वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे रोटी खत्म, कहते हैं कहाँ पे, जगह तो यही बता रहे वो बंदे को कॉल की तो वहां से उसने जब लोकेशन भी थी वो 27 किलोमीटर दिखा रहा था, मैं बस पता नहीं कहाँ कहाँ वो फ्री वाला मैप घुमा के लेगा, लेट भी हो गए। तो यहाँ ये चीजें होती रहती हैं यार, ये लोकेशन का बहुत मसला, शुक्र है अभी ये मैप वगैरह आ गया तो काफी इजी है, नहीं तो इधर रोड समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सर यहाँ पे आप अगर 6 महीने देश रह के आओ ठीक है, 6 महीने बाद आपको पता ही नहीं होगा आपका घर किस तरफ से आप रोड पे जाते। उस दिन मैं अपनी गाड़ी गैराज में लेके गया, मैकेनिक से रिपेयर कराई, पहले वो रास्ता हमारे घर की तरफ आता था, अभी देखा तो वो रास्ता घूम घूम के हमारे दफ्तर पहुंच तो मतलब ऐसा अजीब चीज है वो, मतलब रोड कट ये कटिंग और सीधा और कट करना ये यहाँ पे आम सी बात है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता रातों रात कब फ्लाई ओवर बन गया, कब कौन सा काट दिया है, सही रोड किधर को गई है, ऐसा चलता रहता है। और फिर आपने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया तो फाइन आपके घर, फाइन्स की बात करो, मैं फाइन्स का बता चुका मैं आपको, अपने फाइन्स दिखाऊं ना तकरीबन 5,000 दिरहम तक मेरे फाइन्स हो गए हैं, परेशान हो गया हूं। एक दिन लेफ्ट, एक दिन जो है ये जी सिग्नल से लेफ्ट, एक दिन शेफ संडो को लेके मेरे साथ, मुझे कहता है कि यार कैन यू प्लीज ड्रॉप मी, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं मसला नहीं है। शेफ संडो को लेके जा रहा हूँ तो उसका गपशप लगा रहा हूँ, ख्याल नहीं था वो इशारा मतलब वो ब्लिंक कर रहा था ना, मैं उस पर निकला तो पीछे से कैमरा ने फ्लश मारा, 3,000 दरम उसका आया और 3,000 दरम इम्पाउंड आया ना, इम्पाउंड के और 1,000 दरम फाइन आया, तो अभी मैंने 1,000 दरम फाइन पे किया, 1,040 जो इनोवेशन ये वो 20 दरम या 40 1,020 जो भी था वो पे किया, 12 ब्लैक पॉइंट पे किए, और जो है 3,000 वो अलग रहते हैं, या तो गाड़ी मुझे 30 दिन के लिए देनी पड़ेगी, मैं गाड़ी दे दूंगा तो मतलब ऑफिस कैसे आऊंगा काम कैसे करूंगा, अभी 3,000 दरम वो है, अभी हर दूसरे रोज 30 रोज कभी ये फाइन कभी वो फाइन कसम, उसके अलावा भी एक बार गाड़ी वाले को मारा, तो मतलब ये यहाँ पे बहुत मतलब एहतियात से चलना पड़ता है, अगर आप थोड़े से भी गर्म मिजाज हो तो बहुत मुश्किल है। गाड़ी को मारने का तो इतना ज्यादा फाइन नहीं है, नहीं गाड़ी मारने का भी यहाँ पे दूसरे किस्म का मतलब लोचा चढ़ चुका है।
होता ये है कि यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी है अच्छा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी में ये होता है अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको अपनी गाड़ी खुद रिपेयर करनी पड़ेगी और दूसरे की वो गवर्नमेंट रिपेयर करती है या इंश्योरेंस कंपनी जिसको बोलते हैं ना वो रिपेयर करती है। तो ये मसला है। चलो जी अब अब पहुंचने वाले हम आबू धाबी की तरफ। अभी पहुंच गए हाँ तो अब उधर की तरफ तो अब लगता है कि क्लाउडी थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो डार्क डार्क आ रहा है। हमें दुबई की तरफ बारिश हो रही है हाँ क्योंकि यहाँ पे तो काफी डार्क हो रहा है। तो अब खत्म करते हैं। तुमने वीडियो में बनाया क्या? क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है तो फिर लेट भी हो रहे हैं हम। ये तो खाली हमारा वो क्या था वो वार्म अप कहते हैं वार्म अप कर रहे थे देख रहे थे कि मूड हमारा बन रहा है या नहीं। हाँ। तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा मूड बना है या नहीं। बिल्कुल हा? तो फिर हम नए नए ब्लॉग लेते आएंगे और इससे ज्यादा बंडल मारेंगे पूरी तफरिया मारेंगे। चले मिलते हैं फिर। हाँ।